सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। ओ स्टूडेंट जेडे 2020 दे पास आउट ने ते कैनेडा जाना चाहुंदे ने, उना वास्ते की पॉसिबिलिटीज़ ने ते केड़ियां केड़ियां चीज़ां उना नू नुकसान दे सकदियां ने, ये दोनों गल्लां 2020 दे स्टूडेंट्स वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट ने। सो शो नू बड़े ध्यान नाल देखियो, टू द पॉइंट रहणगियां सारिया चीज़ां। अज दे साडे गैसट ने वीज़ा ऑफिस दे मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह बल, स्वागत है जी। मेहरबानी दीपक जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस नू वेलकम। सो रणजीत जी, 2020 पास आउट स्टूडेंट्स के माइंडसैट के हिसाब नाल गल करां तां उन्हां नू लगता है कि मैं हुणे हुणे पास आउट होया, 2020 दा पास आउट है, 22 चलता पिया, तो मैनू डरन की कोई जरूरत नहीं। रियलिटी की कहती है? देखो जी, रियलिटी तो कई बच्चे तो जाणू ने, कई बच्चे अनजाण बन रहे ने। वो अनजाण वो बन रहे ने, मैं रियलिटी दसदा क्योंकि मैं बच्चों नू डेली डील करदा। स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट 2020 पास आउट अजे भी सोच रहा है कि मैंने तो कोई टाइम ही नहीं होया 2020 पास आउट, आज से बैंड आ गए, मेरा वीज़ा क्यों नहीं आऊगा। जबकि रियलिटी यह है कि 2020 पास आउट ये समझना पैना कि चाहे करोना करके टाइम घर बैठे लंघ गया ज़्यादातर, बट बाकी चीज़ा जड़िया ने, बाकी फैक्टर ने, वो तुहाडे वध गए, मतलब वीज़े वास्ते चैलेंज वध गए। 2020 पास आउट नो डाउट रिजल्ट लेट हुए सी, सारी चीज़ा हुई प्रैक्टिकली देखांगे तो 2 साल हो गए, 2022 आ गया, अगले प्लस टू वाले पेपर हो रहे हैं। जे 2020 पास आउट अजे भी, मैं कहना कि मान लो करोना सीगा, कई चीज़ा आई ने, जे अजे भी तुहाडी फाइल मई टेक वास्ते बैसेज नहीं गई तो इतने मैं तुहाडी अपनी गलती भी मानता है, चाहे कोई भी रीजन रहे हो, क्योंकि अगर 2020 पास आउट है ना, अजे भी उस सितंबर इनटेक लिए पहली बार अपलाई करना आ रहा, देखो रिफ्यूजल आई ने, रीअपलाई कर रहा एक होर गल है, बट 2020 पास आउट अगर पहली बार अपलाई करना आ रहा तो वो लेट है। बच्चे कहते हैं दीपक जी मैनू, बच्चे भी जस्टि सू पता है, अं मिलते रहने, बच्चे जस्टिफाई करते जी करोना आ गया सीगा, तो मैं जो क्वेश्चन करता तो बच्चे फिर हसन लग गए। उस तो क्वेश्चन मेरा यह होंगे कि तुहाडे नाल दे भी बच्चे होणगे, उच्चों कोई बाहर नहीं गया, तो पता लगता जी अद्धी क्लास आ चुकी है, फिर वो किदां चले गए। तो मतलब कि आप कितने ना कितने किसी कारण लेट हुए हैं, आप चाहे बैंड लैण के चक्कर च बहुत 2 बार आयल्स किया, 4 बार आयल्स किया, फिर जाके 6C हुए, हूँ आप लगता कि 6C आ गए, वीज़ा देना तो सिक्योर है। इतने रिस्क जरूर हैगा, बट मैं नहीं कहता कि वीज़ा नहीं आना। 2020 पास आउट लई पॉजिटिव गल भी है कि मई के अच्छे खासे वीज़ा 2020 पास आउट बच्चों के आ रहे हैं, सितंबर के भी चांसिस है कि उन्होंने आएंगे। देखो कोविड नूं वैसे भी समझती है, पर 6 महीने साल ही समझ सकती है, 2-2, 3-3 साल ही नहीं समझ सकती इस चीज़ को। जिहड़े बच्चे 2020 पास आउट ने, कोशिश करो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तुहाडे को होवे, नहीं तो सितंबर इनटेक तुसीं मिस नहीं करना। जे अजे तक ऑफर नहीं अपलाई किया तो हुण कॉलेज का खेड़ा छड्ड दो कि इस कॉलेज ही जाना, जे जनवरी का इनटेक लओगे तो मैनूं लगदा तुसीं लेट होवोगे। तो 2020 पास आउट मतलब 2 साल का गैप हो गया, तुसी अपलाई कर सकते हो, मई च भी सक्सैस रेट अच्छा आ रहा, सितंबर च भी ठीक ठाक रहेगा, मौका तो हैगा, बट यस बैंड जिहड़े आ कोशिश करो कि 6C तो नीचे फाइल ना लाओ, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं कहना कि प्रोफाइल दे विच पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए है। जे तुहाडा अकैडमिक भी लो है, 60% तो घट नंबर ने, आयल चो भी 1.5 ने, गैप भी 2 साल का पै गया, तो इस तो बाद आउटकम जी रिस्क के पै जाती है। अकैडमिक स्ट्रोंग है, आयल चो 6 बैंड लै लेने, कैब पै गया, कोई नहीं फाइल लगाओ, वीज़ा आ सकता है, बट जिदा जिदा टाइम लंघेगा ना तो वीज़े के चांस घटते रहेंगे, क्योंकि फिर कल बैंड नहीं पैसे नहीं देखने। जनरल स्टूडेंट की डेफिनेशन देखी जाती है, जनरल स्टूडेंट की डेफिनेशन के जिन्ना ज़्यादा गैप है उन्नी प्रॉब्लम हो सकती है। आयल्स के बैंड भी इंपॉर्टेंट ने, बट प्लस टू पास आउट बच्चा 2020 पास आउट बच्चा फाइल लगा सकता, बट टाइम तो मैं कहूँगा थोड़ा लेट चल रहा है। इदा के बच्चों जनवरी इनटेक या मई वास्ते फाइल लगा देनी चाहिए सी जी। सो भी 2020 पास आउट जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने सारिया गल्लां का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ आयल्स से नहीं टिकया होया कैनेडा का वीज़ा। सो चैनल पर असी इस तरीके के अपडेट्स थोड़े को वैल्यूएबल इनफॉर्मेशन रेगुलरली लैके पहुँचते रहने, जरूर सबसक्राइब करके रखो। धन्यवाद। Thank you.